कांग्रेस ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में अमित शाह पर भड़काऊ बयान देने, नफरत फैलाने और विपक्ष की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कर्नाटक में एक रैली में बयान दिया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में सांप्रदायिक दंगे होंगे। कांग्रेस ने इसी बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और कांग्रेस कर्नाटक प्रेसिडेंट डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें अमित शाह के अलावा दूसरे भाजपा नेताओं और विजयपुरा की रैली आयोजित करवाने वाले लोगों के भी नाम हैं। डीके शिवकुमार ने कहा कि अमित शाह ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं, हमने इस मामले में इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत दर्ज कराई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक जनसभा में शाह के बयान की आलोचना की है। शिकायत में कहा गया है कि अमित शाह का भाषण झूठे बयानों से भरा हुआ था। इसका उद्देश्य झूठे और निराधार आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी की इमेज बिगाड़ना था। इससे शाह रैली में आए लोगों और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भाषण देखने वाले लोगों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्यता का माहौल बनाना चाहते थे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।